एक शख्स अक्सर एक बूढ़ी औरत से अनार खरीदा करता था। वजन व पैमाइश और कीमत की अदायगी से फारिग होकर वो अनार को चाक करता और एक दाना अपने मुंह में डालकर शिकायत करता कि ये तो कट्टे है, और ये कह के वो अनार इस बूढ़ी औरत के हवाले कर देता है। वो बुजुर्ग औरत एक दाना चुप के कहती है, ये तो बिल्कुल ठीक है, मीठा है, मगर तब तक वो ख़रीदार अपना थैला लेके वहाँ से जा चुका होता है। इस शख्स की जौजा भी हर बार इसके साथ ही होती थी। इसकी बीवी ने पूछा, जब इसके अनार हमेशा मीठे ही निकलते हैं तो ये रोज़ का ड्रामा कैसा? इस शख्स ने मुस्कुरा के जवाब दिया, वो बूढ़ी माँ मीठे अनार ही बेचती है, मगर गुर्बत की वजह से वो खुद इसको खाने से महरूम है। इस तरकीब से मैं इनको एक अनार बेला किसी कीमत के लाने में कामयाब हो जाता हूँ। बस इतनी सी बात है, इस बूढ़ी औरत के सामने एक सब्जी फरोश औरत रोज़ाना ये तमाशा देखती थी। सो वो एक दिन पूछ बैठी, ये आदमी रोज़ाना तुम्हारे अनार में नुक्स निकाल देता है और तुम हो के हमेशा एक जायद अनार वजन करती हो, क्या वजह है? ये सुन के बूढ़ी औरत के लबों पर मुस्कुराहट खेल गई और वो गोया हुई, मैं जानती हूँ कि वो ऐसा मुझे एक अनार खिलाने के लिए करता है और वो ये सोच बैठा है कि मैं इससे बेगाना हूँ, मैं कभी ज़्यादा वज़न नहीं करती, ये तो उसकी मोहब्बत है जो तराजों के पले को बोझल कर देती हूँ, और मैं एक अनार ज़्यादा तोलती हूँ। मोहब्बत और एहतराम के मसरते इन छोटे छोटे मीठे दानों में पहना है। सच है कि मोहब्बत का सिला भी मोहब्बत है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें।